नमस्कार दोस्तों, आज मैं निकला हूँ रनिंग के लिए। रनिंग में दूसरे रास्ते से गया, वैसे डेली आता हूँ। इस रास्ते मुझे बहुत सारी मूर्तियाँ दिख रही है। आजकल आप देख रहे हैं ना कि सनातन के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठ रही है, लेकिन सनातन को असल में कितने लोग दिल से चाहते हैं यह आपको इस वीडियो में देखने से मालूम चलेगा। लास्ट तक जुड़े रहिए बस। हाँ, ये देखिए भाई, ये मंदिर, ये देखो, एक दो, और यहाँ पे सारी सामग्री देख रहे हैं। ये है सनातन। आगे देखते हैं कि आगे कितने मिलता है। ये देखो, ये मूर्तियाँ रखी हैं। एरिया देख रहे हैं, ये देखो भाई, एरिया टोटल सोसाइटी वाला, ये भी एरिया है। ये देखिए, ये पता कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो दिन रात सनातन सनातन चिल्लाते रहते हैं ऊपर ही ऊपर, और दिल में इनके क्या है ये आपको फुटपाथ पे दिखाई रहा हूँ मैं। सोसाइटी भरा एरिया, ये पूरा सोसाइटी भरा, पेड़ की वजह से दिख नहीं रहा, टोटल सोसाइटी वाला ये एरिया भी है। और आगे देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और आगे देखिए, और ये देखिए, ठीक है, और देखते हैं आगे, और ये देखिए, देखते जाइए आप बस। इतनी शायद आपने कहीं पे भी मूर्तियाँ कंटिन्यू नहीं देखी होगी रोड पे पड़ी हुई जितनी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और अच्छा आगे भी, उधर भी है, ये देखो, और आगे देखते हो भाई, ये देखो, यहीं टंगी चुन्नी बाहरी रोड पे ही। जब भाई अपने ही लोग सही हो जाएंगे ना तो हिंदू राष्ट्र क्या चीज़ है यार, कुछ नहीं। ये देखो, ये देखो, देख रहे हैं आप, और आगे देखते हैं क्या, और देखते हैं भाई, और ये देखिए आगे, ये गद्दार है सनातन के, अपने खुद के परिवार के। ये देखिए, और ये देखिए, कितने हैं यार, बहुत हैं। और देखते हैं, ये देखिए भाई, यहाँ से तो पूरी लाइन लगी, ये देखिए कैमरा प्ले, ये देखो, ये सनातन, वो देखो एक पीछे मूर्ति रखे, वो शेरा वाले की शायद माता, सारी माता है, सारे भगवान रोड पे। बात करते हैं धर्म की, सनातन की, यही मूर्तियाँ रोड पे पड़ी रहती हैं, फिर अपने ही लोग हमारे ही और अपना भी मजाक बनवाते हैं, तुम्हारे भगवान तो रोड पे पड़े रहते हैं, मंदिर मंदिर चिल्लाते रहते हो। ये देखो, ये पीछे कितनी मूर्तियां हैं, कितनी तस्वीरें, और देखिए, ये देखिए, ये बिल्कुल सुबह का टाइम है जिसमें आप भी देख रहे हैं कि सही से दिख भी नहीं रहा फोन में। देखिए फ्लैशलाइट अगर बुझा दो ना तो ये दिख रहा है बस। यहाँ पे भी है कुछ, हाँ जी, ये देखिए यहाँ पे भी है, और देखिए ये मूर्ति, यहाँ ये मूर्ति बहुत पुरानी टूटी हुई है।
फिर से एरिया देखो, ये है एरिया। आप इतनी सी मूर्ति देख के परेशान हो रहोगे। ये देखो एक और दिख गया मुझे, ये किन की है? गणेश भगवान की। ये देखो और भी है भाई, ये देखो। और भी हैं, हाँ और मिलेंगी आगे, सारी बहुत है अभी तो। देखा आपने कितनी मूर्तियाँ पड़ी रोड पे? इतनी मूर्ति देख के आप लोग परेशान हो रहे, बल्कि ये जो मूर्ति दिखा रहा हूँ इससे चार गुना और मूर्तियाँ पड़ी हैं, वो मुझसे छूट गई रिकॉर्ड करने में। कैसे छूट गए? अभी ये देखिए, वो सर्विस रोड है, ये फुटपाथ है, ये मेन रोड है, ठीक है। और एक मिनट, ये है रोड के बीच का, ठीक है, डिवाइडर जिसे कहते हैं, ये डिवाइडर, उसके बाद मेन रोड, फिर फुटपाथ, फिर सर्विस रोड, मतलब छह लाइनें अभी छूट गई। और ये जो रिकॉर्ड करके आपको दिखा रहा हूँ, ये केवल वो मूर्तियाँ रोड पे पड़ी है जो चलते चलते आम आदमी, आम इंसान देख सकता है। ये हैं सनातन को मानने वाले, जिसे हर कोई छुपाता है और मैं दिखाता हूँ। तो एक बार फिर से सभी से यही कहूँगा कि भाइयों, अगर आप पे मूर्ति नहीं संभाली जा रही हो तो प्लीज़ मत संभालो, नई मूर्तियाँ मत लेकर के आओ। आपका माइंड वॉश ऑलरेडी पहले से ही है, क्योंकि मूर्ति आप संभाल नहीं पा रहे हो तो माइंड वॉश है ही, ठीक है। और आप हिंदू भी नहीं हो इस हिसाब से, तो क्योंकि आप लोग नई मूर्तियाँ खरीदते हो, फिर उनको ही घर पे ले जाते हो, पूजा पाठ करते हो, प्राण प्रतिष्ठा करते हो, बाहर कुछ समय के बाद निकाल के फेंक देते हो। फिर बाहर के लोग कुछ जो सच में ही सनातन से नफरत करते हैं, जो माइंड वॉशर हैं, वो हमारा मजाक बनाते हैं। तुम्हारे भगवान तो रोड पे पड़े रहते हैं, मजाक कौन बनवा रहा है? तुम लोग। तो सनातन का गद्दार कौन हुआ, दुश्मन कौन हुआ? तुम लोग। अब मेरे पास थोड़ा पैसा होता ना तो सालों को मैं लिख देता बोर्ड पे कि जिनको भैया मूर्ति फेंकनी है इधर रख दो फेंकने से पहले। तो मूर्तियाँ रोड पे आपको एक भी नहीं दिखाई देती, लेकिन यहाँ जो है एक चैनल से पैसा आता था, वो भी चैनल सालों ने सस्पेंड करवा दिया। अब मेरी जीरो और निंगे कहीं से कुछ भी नहीं, तो कहाँ से क्या करूँ, कुछ भी नहीं, देख ही सकता हूँ बस, दिखा सकता हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और सच में बिल्कुल ज़ीरो, जिसे कहते ना ज़ीरो ही अर्निंग है। अब इसमें मैं आपको दिखाने के अलावा क्या कर सकता, आप खुद बताओ। कोई सपोर्ट तक नहीं करता चैनल को, कहीं से कुछ नहीं, हिंदुत्ववादी बात करते सारे लोग, सपोर्ट साले कोई करते है नहीं। चलो मुझे लगा कि आपको वो चीज़ दिखा दूँ जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, आते ही पहली बार पहले रोड पे ये चीज़ देखी, रनिंग करने निकला था सब बेकार हो गया। ऐसी चीज़ देख के कहाँ कुछ हो पाता है। वही छोटी सी रिक्वेस्ट फिर से मेरी, चैनल के साथ जुड़ कर रहो, जो भी वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। उसके लिए सब्सक्राइब करने के बाद केवल एक बेल आइकन है, उसको दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच सके। ये देखो, ये है एरिया कोठी बंगले साले, बस दिखावटी के लिए, बस अंदर कुछ भी नहीं है, जिन्होंने दिया उन्हीं को बाहर फेंक दिया। जय श्री राम।